हेलो फ्रेंड्स, मैं बनाने जा रही हूँ आलू के ब्रेड के कटलेट्स। तो कटलेट बनाने के लिए मसालेदार आलू चटपटा तैयार करेंगे। तो अंदर स्टफिंग भरने के लिए आलू को मैंने बॉयल ले लिया है और इसको अच्छे से फोड़ लेंगे। तो फोड़ने के बाद इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च और इसमें डालेंगे हरा धनिया। और हरा धनिया से फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है हरा धनिया। और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, टर्मरिक पाउडर, गरम मसाला, धनिया पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। और इस तरीके से आमचूर पाउडर डाल देंगे आधा टीस्पून। और इसमें डालेंगे थोड़ा सा हींग। और हींग से गाइस टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। इस तरीके से गाइस आप आलू का भरता भी बना सकते हैं। आलू का भरता आप इसी तरीके से बनाइएगा और पूरी के साथ या पराठे के साथ, रोटी के साथ, जो भी अवेलेबल आपके पास हो उससे आप खाइएगा। तो सच मानिए बहुत ही टेस्टी, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है आलू का भरता। तो स्टफिंग अंदर भरने के लिए तैयार हो गई है गाइस, इसको कलहाड़ना नहीं है। इस तरीके से आप परफेक्ट भरता बना सकते हैं मसालेदार चटपटा आलू। तो लीजिए बनकर तैयार हो गया है। अब चल बनाएंगे कटलेट। कटलेट बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं गाइस और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट। और मैंने ब्रेड ले ली है। ब्रेड को चाहे तो आप किनारी निकाल सकते हैं और मैं किनारी नहीं निकाल रही हूँ, क्योंकि किनारी निकालने से गाइस ब्रेड को बर्बाद ना करते हुए इसको चलिए बनाते हैं फटाफट। इस तरीके से आपका समय भी बचेगा और आप फटाफट बच्चों के लिए टिफ़िन में कटलेट बना कर रखिएगा और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। तो ऑयल गर्म हो चुका है तो और मैंने स्टफिंग अंदर भरने के लिए भी तैयार कर ली है। तो अब एक कटोरे में ले लेंगे पानी और जो मैंने मसालेदार आलू बनाकर तैयार करके रखा था वो भी रख लेंगे पास में। तो मैंने सारा सामान इस तरीके से रख लिया है। और एक ब्रेड लेंगे और ब्रेड को पानी में भिगोकर दोनों हथेलियों से इस तरीके से दबा देंगे। चाहे तो गाइस आप दो ब्रेड का भी बना सकते हैं, मैं एक ब्रेड का बना रही हूँ। और इस तरीके से आलू का भरता अंदर भर के और इसको चारों तरफ से घुमाकर और इस तरीके से दबा के एक रोल जैसा तैयार कर लेंगे। चाहे तो आप किसी भी शेप में दे सकते हैं, आलू की टिक्की के शेप में दे सकते हैं, चाहे तो गोल या लंबा, जो शेप देना चाहें आपकी मर्जी, इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो इसी तरीके से अगर ऐसा बनाइएगा तो आपको किनारी निकालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जब ऐसे तरीके से जब रोल करेंगे तो आपका अंदर जो है ब्रेड की किनारी अंदर इस तरीके से हो जाती है। और इस तरीके से गोल गोल जब घुमाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट गोल बनकर तैयार हो जाते हैं। तो लीजिए कटलेट बनकर तैयार हो गए हैं। इसी तरीके से गाइस सारे कटलेट बना लीजिएगा। और बनाने के बाद ऑयल गर्म हो गया है, टेम्परेचर परफेक्ट रखना है, लो फ्लेम पर कर देना है हाई फ्लेम के बाद। तो अब इसमें डाल देंगे कटलेट और कटलेट को अच्छे से फ्राई करेंगे। तो इसको गैस को लो फ्लेम पर कर देना है ताकि अंदर अच्छे से सिक जाए। तो अब इसके बाद सारे कटलेट जैसे बनाना हो इस तरीके से आप बना लीजिएगा और एक एक करके डालिएगा। और बहुत ही सावधानी से इसे पलटिएगा और सिक्के बहुत ही बढ़िया टेस्टी लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। इस तरीके से गाइस आप बनाइएगा आलू और ब्रेड पकौड़ा। तो गाइस इसको ब्रेड पकौड़ा भी कहते हैं। चाहे तो आप बेसन में रोल लगा कर भी बना सकते हैं। तो ये मैं बना रही हूँ, कटलेट भी कह सकते हैं, चाहे तो आप ब्रेड पकौड़ा भी कह सकते हैं। तो लीजिए एक तरफ सिक्का तैयार हो गया है और इसको पलट देंगे। इस तरीके से गाइस आप बना सकते हैं। तो एक तरफ सिक चुके हैं, इसी तरीके से अब इसकी दिशा को चेंज कर दिया तो एक दूसरा है वो भी इसको पलट देंगे धीरे से। तो इस तरीके से गाइस ये बनकर तैयार हो गया है ब्रेड पकौड़ा कटलेट। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है गाइस खाने में। आप बच्चों के टिफ़िन में रखिएगा, बच्चे भी खुश आप भी खुश, बच्चों का भी बहुत अच्छा लगता है ये खाने में, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। और इस तरीके से लीजिए मैंने कटलेट बनाकर तैयार कर लिया। तो गाइस आपको कटलेट की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर नए हैं मेरे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। इस तरीके से गाइस आप बना सकते हैं। तो अब मैं सर्व कर लूँगी। तो एक एक करके निकाल लेंगे। इसी तरीके से आपका सारे कटलेट आप बना लीजिएगा। तो मैं इसको निकाल लेते हैं। तो इसी तरीके से गाइस आप बना सकते हैं। और
और आज मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, तो मोदी जी के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैंने तो पहले ही कहा था, आप नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं कि मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे और मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए। उनकी खुशी में बनाए मैंने ब्रेड के कटलेट। तो इस तरीके से गाइस आप बनाइएगा और खाइएगा, और गेस्ट आए हुए हों उनको भी खिलाइएगा। मैंने हरी चटनी बनाई है, हरी चटनी के साथ सर्व किया है। चटनी की रेसिपी आप कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं किस तरीके से मैं चटनी बनाती हूँ। तो इसको चाकू से भी से काट लेंगे, काटने के बाद इसमें टमाटो सॉस से या आप हरी चटनी से खाइएगा, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। इस तरीके से आप खाइएगा और मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। इसी तरीके से सारे कटलेट को मैं बना लूँगी, और बनाने के बाद आप देख सकते हैं कि जो मैंने बचे हुए थे वो भी मैंने इसी तरीके से बना लिए हैं सारे कटलेट। तो लीजिए, बनकर तैयार हो गए हैं और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, और मैंने सर्व कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।